साड़ी चेंज करना। सुबह, अरे अच्छा यार क्या हो गया, चेंज ही नहीं हो रहा है ये। एक बार मैं ट्राई करती हूँ। शुभ विवाह मिस कराएगी। चल छोड़, इसकी बैटरी खराब हो गई होगी, तो वहाँ जाके चेंज कर। अरे जल्दी कर, टाइम हो गया है सीरियल का। मम्मी जी चैनल चेंज ही नहीं हो रहा। हाँ टीवी खराब तो नहीं हो गया कहीं? पता नहीं। ये क्या आ रहा है? लगता है कोई नया सीरियल आ रहा है। अरे नया सीरियल, चलो नया। देखो माँ, कितनी मुसीबत कितनी तकलीफ झेलने के बाद फाइनली कैसा है हमारा अपना घर। बहुत अच्छा, आज मैं कितनी खुश हूं। लेकिन बेटा इतनी भारी कीमत चुका कर। माँ तुम्हारी खुशी से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैंने और भैया ने लोन लिया है और हम दोनों मिलकर ये लोन बहुत जल्दी चुका देंगे माँ। मुझे हर वक्त ऐसा क्यों लगता है कि मेरे परिवार के अलावा इस घर में कोई और भी शक्ति है, भूत प्रेत पिशाच या किसी की आत्मा, पता नहीं, पर किसी से इस बारे में बात भी नहीं कर सकता। माँ को पता चल गया तो तुरंत घर खाली कराने के लिए एक पैर पे खड़ी हो जाएगी, भैया को पता चल गया तो तुरंत पंडित पूजा शांति पाठ करवाएंगे। मुझे डर लग रहा है इस घर में कुछ बुरा होने वाला है। बहुत बहुत मेरे भाई। इतनी देर कैसे हुई और ये मिठाई क्यों? पहले मुंह खोल तू। लेकिन बात क्या? मुंह खोल। बात क्या बताओ? प्रमोशन मिल गया है मुझे, प्रमोशन। वाओ ग्रेट न्यूज। अरे पूरी खुशखबरी सुन पहले। हाँ बताइए। 10,000 अ मंथ का सैलरी हाइक मिला है। 10,000 अ मंथ? 10,000 अ मंथ? वाओ। इस घर पे हमने जो 20 साल का लोन लिया है ना, कैलकुलेट करके देख, 16 साल के अंदर चुका देंगे हम। 16 साल के अंदर। फैंटास्टिक भैया। देखो माँ, फाइनली कैसा है हमारा अपना घर। जब से हम इस घर में आए हैं कुछ ना कुछ अपशगुन हो ही रहा है, रोज दूध फट जाता है, पूजा रूम तैयार नहीं हो पा रहा। मेरे परिवार के अलावा इस घर में कोई और भी शक्ति है, भूत प्रेत पिशाच या किसी की आत्मा। प्रमोशन मिल गया है मुझे, प्रमोशन। वाओ। 10,000 अ मंथ का सैलरी हाइक मिला है। 10,000 अ मंथ। इस घर पे हमने जो 20 साल का लोन लिया है ना, कैलकुलेट करके देख, 16 साल के अंदर चुका देंगे। 16 साल के अंदर। मेरा एक काम करोगी? क्या? मेरे लिए सिर्फ एक बार एक पेपर में पास होकर मुझे दिखाओ, फिर तुम्हें जो गाड़ी चाहिए मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा। Oh,
क्यों, क्या हुआ? आप सुनोगे तो दांग रह जाओगे। अरे क्या हुआ? मैंने अपने सारे पेपर्स पास कर लिए भैया, और मैंने कॉलेज का रिकॉर्ड तक ब्रेक कर दिया। All KDs solved in one go. 69.73%. Oh my God. Congratulations. सिर्फ congratulations से काम नहीं चलने वाला। सुबह क्या कहा था आपने? एक पेपर पास करने पर एक कार। तो मैंने 12 पेपर्स पास कर लिए भैया। अब आप तैयार हो जाओ। बाकी सब लोग कहाँ हैं? अरे वो शादी के लिए गए। शादी के लिए गए? क्या कह रही थी मामा? कि मैं जिंदगी भर पेपर्स नहीं पास करूँगी। अभी बता। हेलो भाभी, मैं पास हो गई। एक पेपर में नहीं, सब पास हो गई। हेलो भाभी, मैं पास हो गई, और एक दो पेपर्स में नहीं, सारे पेपर्स में। अब भैया को बताओ कि मैं पास हो गई। पांच मिनट नहीं रुक सकती, इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, बताओ। सच? पता है, हमने एक नया सीरियल देखना शुरू किया, सब खैरियत। वो बाकी सास बहुओं के सीरियल से एकदम हटके है। इसमें ना भूत वगैरह भी है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ, देखे तो क्या हो रहा है, दो तीन दिन से मिस कर दिया ना हमने। वो प्रेग्नेंट हो गई थी लास्ट एपिसोड में। भगवान की पूजा करती थी वो, और वो जो बुरे लोग हैं वो मस्त बैठे रहते हैं हमेशा। मम्मी जी, सीरियल ही तो है, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? अच्छा सुन, किचन में राइस कुकर रख के आई, ऑन करके आ जा, जल्दी आना। अरे चुप के सीरियल देखा जा रहा है? हमारे साथ देखने में शर्म आ रही है क्यों? आ जाओ बाहर, आ जाओ, कोई कुछ नहीं बोले। नहीं प्रिया, मेरी बात सुनो। अरे मनु, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ तुम्हें? हेलो हेलो हेलो, प्रिया 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 प्रिया, क्या हुआ? उठो प्रिया, क्या हुआ? प्रिया प्रिया प्रिया, क्या हुआ? प्रिया प्रिया, लिसन टू मी प्रिया, अभी जल्दी जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाइए। Damn it! Huh?
क्या मेरी बत्ती जिंदा रहेगी?